प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सदगुरु कबीर की एक साखी और उसके आधार पर कुछ निवेदन। सदगुरु कबीर कहते हैं, जो जानो जग जीवना, जो जानो सो जीव, पानी पचाव हो आपना तो पानी मांगी न पीव। यदि संसार में जीने की कला जानते हो और उस जीव को भी जानते हो जो तुम्हारा अपना आपा है, तुम्हारा स्वरूप है, तो आज तक जितना पानी पी चुके हो सबको पचा डालो और फिर से पानी मांग करके पियो मत। सदगुरु कबीर प्रायः लक्षणा और व्यंजना में अपनी बातें कहते हैं। यहाँ पानी का स्थूल अर्थ नहीं है, जिस पानी का प्रयोग हम लोग रात दिन करते हैं पीने के लिए, नहाने के लिए, भोजन बनाने के लिए, किंतु यहाँ पानी का अर्थ है वासना। आज तक संसार की जितनी वासना बना चुके हो उन सबको ज्ञान विवेक द्वारा पचा डालो और आगे जीवन का व्यवहार इस तरह करो, जीवन को इस तरह जियो कि फिर से नई वासनाएं न बनने पाए। चार बातें सदगुरु कबीर इस साखी में हम लोगों को बताते हैं। पहली बात है, जो जानो जग जीवना, यदि संसार में जीने की कला जानते हो। जीने की कला क्या है? दुनिया में बहुत सारी कलाएं होती है, 64 कलाओं की बात पढ़ने में आती है। उन सारी कलाओं का अपना महत्व है जीवन निर्वाह के लिए, लोक मंगल के लिए, लोक रंजन के लिए, भौतिक उपलब्धि और विकास के लिए। लेकिन सभी कलाओं में महत्वपूर्ण कला है जीवन जीने की कला। जीवन जीने की कला के अभाव में सारी कलाएं निरर्थक हो जाती हैं। अब जीवन जीने की कला क्या है? जीवन तो हर आदमी जी रहा है, जी तो रहा है, लेकिन कलापूर्ण जीवन जीना, कलात्मक ढंग से जीवन जीना अलग बात है। और बगैर कला के जीवन जीना अलग बात है। उसी दाल चावल साग सब्जी तेल आदि से एक व्यक्ति भोजन बनाता है, बनाता तो है, पेट तो भर जाता है, लेकिन खाने वाले को आनंद नहीं आता, स्वाद नहीं जान पड़ता। और एक दूसरा आदमी बनाता है कलात्मक ढंग से, वही सामग्री से भोजन बहुत स्वादिष्ट लगता है। लोग कहते हैं, यार आज तो भोजन बहुत अच्छा लगा, बनाया दोनों ने, लेकिन एक ने बगैर मन के बनाया, बगैर प्रेम के, बगैर श्रद्धा के बनाया, काम टालने के लिए बनाया, इसलिए सामग्री तो लगी, समय तो लगा, लेकिन स्वाद नहीं आया।
और दूसरे आदमी ने अत्यंत प्रेम से समर्पित होकर श्रद्धा पूर्वक बनाया, प्रसन्नता पूर्वक, तो भोजन बहुत बढ़िया बना, खाने वाले सब प्रसन्नता करने लग गए। ये कलात्मक ढंग से बनाना है। तो जीवन तो सब जी रहे हैं, और यह भी नहीं महत्व की बात है कि बहुत लंबे दिन तक जीवन जीना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, कोई सौभाग्य की बात नहीं है। सौभाग्य की बात है जीवन को कलात्मक ढंग से जीना, अच्छे ढंग से जीना। बहुत लंबा जीवन तो मिला, लेकिन जी करके किया क्या? हम कितना लंबा जीवन जीते हैं, कितनी लंबी आयु हमको मिली, इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व है जीवन जी करके हमने क्या किया। थोड़ी जिंदगी हो, छोटी जिंदगी, लेकिन जी करके आत्मकल्याण और लोक कल्याण दोनों का काम किया तो छोटी जिंदगी सार्थक हो जाती है। बड़ी लंबी उम्र मिली, जब तक जिए तब तक स्वयं उलझते रहे, दुखी होते रहे, पीड़ित होते रहे, औरों को उलझाते रहे, तो ऐसा जीना बेकार हो गया। थोड़ा ही जिए, लेकिन ठीक से जिए। और ठीक से जीने का अर्थ है स्वयं प्रसन्न रहना, और अपने व्यवहार से, कर्म से, आचरण से, बात से लोगों के बीच प्रसन्नता बांटते रहना। तो जो जानो जग जीवना, सद्गुरु कबीर कहते हैं, यदि संसार में जीने की कला जानते हो। जीने की कला क्या है? जीने की कला है उम्र बढ़ने के साथ साथ, समझदारी बढ़ने के साथ साथ हमारी प्रसन्नता का बढ़ते जाना, सुख का, आनंद का, शांति का बढ़ते जाना, मन का अंतर्मुख होते जाना, निर्मल होते जाना। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर तो जीवन बेकार। हम जीने रहे हैं, घटित रहे हैं मजबूरी वश। गुरुदेव जी प्रायः कहा करते थे कि कोई भी व्यापार सफल तब माना जाएगा जब जिस मूलधन को लेकर व्यापार किया गया वह मूलधन तो बरकरार रहे, मुनाफा थोड़ा थोड़ा ही सही, रोज रोज बढ़ता जाए। मुनाफा का बढ़ते जाना व्यापार की सफलता की पहचान है। मुनाफा तो बढ़ा नहीं, मूलधन ही घट रहा है रोज रोज। 1,00,000 रुपए लेकर के व्यापार शुरू किया, 6 महीने में 1,80,000 रह गया, साल भर बाद 60,000 रह गया, तो ऐसा व्यापार कब तक चलेगा? कुछ दिनों में तो दिवाला निकल जाएगा, पूरा बैठ जाएगा। कहीं ऐसी ही स्थिति हमारे जीवन की तो नहीं हो रही है? सोचने की आवश्यकता है, चिंतन करें। बचपन में हमारे मन में जो प्रसन्नता रहती है, सरलता रहती है, मासूमियत रहती है, निश्चलता रहती है, जवानी आते आते उनमें से ये सब की सब बहुत कुछ घट जाती है। अब बुढ़ापा आते आते तो मन अशांत, चंचल, पीड़ित, उद्वेगित, तनावग्रस्त, ये तो जीवन व्यापार का पूरा दिवाला निकल जाना है। बचपना में ज्ञान नहीं रहता, समझदारी नहीं रहती, बुद्धि का विकास नहीं रहता,
बचपनों में आदमी असहाय होता है, उस समय क्लेश हो, दुख हो, पीड़ा हो तो बात समझ में आती है। जवानी में जोश तो रहता है, शरीर में ताकत रहती है, बल रहता है, काम करने का उमंग होता है, लेकिन जोश ज़्यादा होता है, होश नहीं रहता। उस समय भी कुछ चिंता हो, दुख हो, व्याकुलता हो तो समझ में आती है। आते आते तो सब कुछ का अनुभव हो गया, दुनिया को अच्छी तरह से देख समझ लिए, अब तो परिपक्वता आनी चाहिए, अब तो मन अंतर्मुख होना चाहिए, शिकायत मिटनी चाहिए, लेकिन होता उल्टा है। बुढ़ापा जब आता है तब मोह बढ़ जाता है, भय बढ़ जाता है, चिंता बढ़ जाती है, शिकायत बढ़ जाती है। और प्रसन्नता गायब। जवान आदमी भले चिंता ना करे, बूढ़ा आदमी चिंता ज़्यादा होती है, होता उल्टा है। चिंता किसको होनी चाहिए? जवान को। क्यों? अभी जवान को बहुत दिन जीना है तो चिंता होनी चाहिए, भाई बहुत दिन जीना है, आगे क्या खाएंगे, कैसे होगा, बाल बच्चों का विवाह शादी कैसे होगा, चिंता जवान को होनी चाहिए। तो जवान को जिसको बहुत दिन जीना है वो तो चिंता नहीं करता है, और बूढ़ा को मर जाना है जल्दी वो चिंता कर रहा है, वो तो उल्टी बात हो गई ना। अरे तो आपको जल्दी मर जाना है, इतना सोचो आपके रहते रहते आपके घर द्वार बना रहेगा, चिंता काहे कर रहे हो। लेकिन चिंता बूढ़े को, बच्चों का क्या होगा, पोतों का क्या होगा, कैसे होगा, ये अपना बनाया रोग, अपना बनाया दुख, जानबूझ करके दुख खरीदना। मैं तो बुजुर्गों से निवेदन किया करता हूँ, जो बूढ़े हो गए हैं, अब जिनके बाल बच्चे बड़े हो गए हैं और खेती व्यापार आदि सब संभाल रहे हैं, उन बुजुर्गों से निवेदन किया करता हूँ, और यहाँ भी जो बुजुर्ग बैठे हैं उनसे पुनः निवेदन। देखिए, जब आप जवान थे तब आपने मकान बनाया, दुकान बनाया, व्यापार किया, खेती बाड़ी का काम किया, सब कुछ किया, सब कुछ संभाला। अब आप बूढ़े हो गए, शरीर में ताकत नहीं रह गई, शरीर कमज़ोर हो गया, रोगी भी हो गया, आपके बच्चे जवान हो गए, तो अब चाहे स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से हो, चाहे मजबूरी वश हो, चाहे नहीं चाहते हुए भी, आपने घर द्वार, व्यापार बट्टा, खेती बाड़ी, रुपया पैसा सब बहु बेटों को सौंप दिया। चाहे मन हो तो सौंपना पड़ता है, ना मन हो तो सौंपना पड़ता है, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए, अब वो काम धाम कर रहे हैं। तो आपने अपने बुढ़ापा में बच्चों को सब कुछ सौंप दिया, घर द्वार, खेती बाड़ी, व्यापार बट्टा, लेन देन सब कुछ छोड़ दिया। तो जैसे आपने सब कुछ बच्चों को सौंपा, ऐसे ही आप चिंता भी बच्चों को सौंप दो। बेटा तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। होता उल्टा है, बूढ़ा बाप घर देगा बेटे को, घर सौंप देगा, रुपया सौंप देगा, दुकान सौंप देगा, चिंता अपने पास रख लेगा। ये तो उल्टा हो गया है ना, अपना बनाया दुख। अब चिंता में जी रहे हो तो जीवन को सही ढंग से कहाँ जी रहे हो, तो व्यापार का जीवन, व्यापार का दिवाला निकल जाना है, गलत जीवन शैली ही है। बूढ़े हो जाने पर मन निष्फिक्र हो जाना चाहिए, निश्चिंत, निर्भय और प्रसन्नता से भरा पूरा, तब समझना चाहिए कि हम जीवन को सही ढंग से जी रहे हैं। उम्र बढ़ती जाए, मन की चंचलता घटती जाए, एकाग्रता बढ़ती जाए, अंतर्मुखता बढ़ती जाए, संसार के प्रति जो लोलुपता है ये लोलुपता घटती जाए, और सब समय आनंद आनंद, तब जीवन व्यापार सफल हुआ,
सोचें हम सब, क्या ऐसा हो रहा है? कहाँ ऐसा हो रहा? बहुत कम जो ऐसा है जिसके जीवन में वो धन्यवाद का पात्र है, जीवन को उन्होंने समझा और जीवन को उन्होंने सही ढंग से जिया। यहाँ तो सद्गुरु कबीर कहते हैं, जो जानहु जग जीवना, यदि संसार में जीने की कला जानते हो तो। जीने की कला क्या है? बुढ़ापा आते आते प्रसन्नता का, सुख का, शांति का बढ़ते जाना। कैसे बढ़ेगा? इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कौन सा धन अपना है? जीवन निर्वाह का धंधा तो सबको करना पड़ता है, खेती हो, नौकरी हो, व्यापार हो या अन्य और हो, वो तो कर रहे हैं, करिए, करना चाहिए। लेकिन जीवन को कलात्मक ढंग से कैसे जिए, सफल कैसे बनाएं, इसके लिए दो काम लेना होगा हमको, दो बातों पर ध्यान देना होगा। पहली बात है सेवा और दूसरी बात है निष्कामता। सेवा दूसरों के लिए, जितना हम दूसरों की सेवा करेंगे हमारे संपर्क में आने वाले लोग उतने प्रसन्न रहेंगे, और जितना हम निष्काम रहेंगे उतना हम प्रसन्न रहेंगे। दूसरों को प्रसन्न करना है तो अधिक से अधिक सेवा, समर्पित होकर, उत्साह पूर्वक, और स्वयं प्रसन्न रहना है तब निष्काम, अनासक्त, किसी से कुछ न चाहना। तो सेवा और निष्कामता। सेवा कैसे करें, किसकी करें, सेवा का अर्थ क्या है, पहले ये समझ लें। सेवा का अर्थ है ऐसा कुछ करना जिससे सामने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा मिले, चाहे वो वाचिक रूप में हो, चाहे आर्थिक रूप में हो, चाहे शारीरिक रूप में हो। दूसरों की सुख सुविधा का ध्यान रखना, दूसरों के कष्ट को, पीड़ा को, असुविधा को दूर करने का प्रयास करना, ये सेवा है। यदि हमारे बात व्यवहार से, हमारी रहन सहन से, हमारे कर्म से, हमारे आचरण से दूसरों को पीड़ा मिल रही है तो हम सेवा नहीं कर रहे हैं, कुछ सेवा कर रहे हैं, फिर जीवन गलत रास्ते में हमारा जा रहा है। तो सेवा का अर्थ है ऐसा कुछ करना जिससे दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा मिले, चाहे वो मानसिक रूप में हो, भौतिक रूप में हो, शारीरिक रूप में हो, किसी भी रूप में हो। धन है आपके पास, धन से सेवा करें। धन नहीं है तो तन से सेवा करें। धन भी नहीं है, तन कमजोर है, रोगी है, बूढ़ा है, तो वाणी से सेवा करें, अच्छी बातें बताकर, अच्छा रास्ता बताकर, लोग गरीब बच्चों को पढ़ाकर सेवा करें। ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो मन से सबके कल्याण की बात सोचें, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सब सुखी हों, सब निरोग हों, सब आगे बढ़ें, ऐसा तो सोच सकते हैं। ऐसा सोचने में क्या लगेगा? शरीर से सेवा करेंगे तो शरीर में थकान आएगी, समय लगेगा, मेहनत लगेगी। धन से सेवा करेंगे तो धन का खर्च होगा, लेकिन सोचने में क्या खर्च होगा? आप इतना सोचें, सब सुखी हों, सब निरोग हों, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, इसमें क्या बिगड़ेगा? ईमानदारी पूर्वक आप सोचिए, इतनी उम्र आपकी बीती, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कोई 30 के हैं, कोई 40 के, कोई 50 के, कोई 60 के, कोई 70 के, कोई 75 के, कोई 80 के भी होंगे, ईमानदारी पूर्वक सोचिए आपने अपने जीवन में कितनी बार ये बात सोची है कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत मुश्किल हो जाएगा उत्तर देना।
मैं सोचता हूँ बहुत 75% ऐसे लोग होंगे जिनके मन में कभी ये बात आई ही नहीं होगी कि दुनिया भर का कल्याण, सबका कल्याण हो, पड़ोसी का भी हो, मेरे बैरी का भी कल्याण हो। आपको शांति का, आपका कल्याण कैसे होगा? यदि हम सबके कल्याण का की बात न भी सोच सकें तो अपना कल्याण कैसे करेंगे? हम सबका कल्याण नहीं कर सकते, कोई किसी कल्याण नहीं कर सकता, कल्याण अपना ही किया जा सकता है, लेकिन सबके कल्याण की बात तो सोची जा सकती है ना। और जो आदमी सबके कल्याण की बात नहीं सोच सकता, वह आदमी अपना कल्याण कभी नहीं कर सकता, चाहे जो हो जाए, चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे पुजारी हो, चाहे जो हो। जिस आदमी के मन में प्राणी मात्र के कल्याण की कामना न उड़ती हो कभी भी, उसका हृदय पत्थर बन चुका है, तो कल्याण का काम कैसे कर सकता है? आत्मा परमात्मा की चर्चा करना बहुत सरल है, स्वर्ग नरक की चर्चा करना बहुत सरल है, धर्म अधर्म की चर्चा करना, मरने के बाद क्या होगा, ये चर्चा करना बहुत सरल है, लेकिन प्राणी मात्र प्रति कल्याण कामना मन में रखना, सबके लिए मैत्री भाव रखना, करुणा रखना, ये कठिन है। और यही वास्तविक धर्म है। मैंने कहा हम सबका कल्याण नहीं कर सकते, कोई किसी कल्याण नहीं कर सकता, जिसने किया है अपना ही कल्याण किया है, लेकिन कल्याण की बात सोची तो जा सकती है, उसमें कुछ नहीं लगेगा, लेकिन हमारा मन तो इतना मलिन और कठोर बन गया है कि हमारे मन में लोगों के कल्याण की बात आती ही नहीं है। इसके लिए चाहिए स्वार्थ का त्याग, मन की मलिनता का त्याग। जितना हमारा मन निष्काम होता जाएगा उतना ही हम दूसरों की अधिक से अधिक सेवा करते जाएंगे और कल्याण की बात भी तब सोच सकेंगे। तो सेवा और निष्कामता, ये जीवन जीने की सुंदर कला है। जिसके जीवन में आ गया, अपने जीवन में मैं अधिक से अधिक लोगों को दूं, शुभ दूं, अशुभ ना दूं, किसी को जानबूझ करके अशुभ नहीं देना है, न तन से, न मन से, न वचन से, न व्यवहार से, शुभ दें, शुभ का प्रचार करें, शुभ बात बोलें। हर आदमी ये सोच लें, सुबह उठें और बिस्तर पर बैठ करके आप ये सोच लें कि आज मैं किसी के लिए कोई गलत बात नहीं सोचूंगा, किसी के लिए अपशब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करूंगा, किंतु इसके विपरीत सबके लिए अच्छी बात सोचूंगा, सबके साथ अच्छी बात बोलूंगा और सबके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। हर आदमी सोच लें तो दुनिया एक दिन में स्वर्ग बन जाएगी, लेकिन यही नहीं हो रहा है। बड़े बड़े कर्मकांड तो हो रहे हैं, ये नहीं हो रहा है। अब यही है जीवन जीने की कला, अपना सुखी और औरों को भी सुखी करना। तो जो जानहु जग जीवना, सद्गुरु कबीर कहते हैं यदि संसार में जीने की कला जानते हो तो वो कला यह है, दूसरों के लिए सेवा करो, अधिक से अधिक बांटते चलो लोगों को शुभ ज्ञान, प्रसन्नता, शांत, और सबसे निष्काम रहो। इसके इन लोगों के साथ मैं अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ तो ये भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे, ये सोचो मत। अपना काम सेवा करना, प्रसन्नता देना है। नदी का काम है बहते जाना, नदी बहती जाती है। नदी ये नहीं सोचती है कि कौन मुझ में पैर धो रहा है,
तो कौन मुझ में कुल्ला कर रहा है, कौन मुझ में कपड़ा धो रहा है, कि कौन मुझ में गाय बैल धो रहा है, तो कौन मुझ में नहा रहा है, कौन मुझे थूक रहा है, उसका काम है केवल बहना। बस ऐसे ही हमारा काम होना चाहिए, लोगों को प्रसन्नता बांटते चलना, शुभ देते चलना। हमारे लिए दूसरा कौन क्या कर रहा है इसकी परवाह न करें, इसकी परवाह करते रहेंगे तो जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए निष्काम, जितना मन निष्काम रहेगा उतना आनंद, निष्कामता ही मुक्ति है। मुक्ति की चाहना हर आदमी के मन में है, कौन मुक्ति नहीं चाहता है, लेकिन लेकिन मुक्ति का व्यवहारिक स्वरूप जीते जी हम अनुभव करना चाहें तो कैसे अनुभव कर सकते हैं, निष्काम होकर के। जिसका मन जितना निष्काम है वह इस दुनिया में रह करके उतना ही मुक्त है, ये जीवन जीने की कला है। दूसरी बात सदगुरु कहते हैं, जो जानो सो जीव, और उस जीव को जानते हो जो तुम्हारा अपना स्वरूप है। खुद हम कौन है, हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा मूल स्वरूप क्या है। ये जो शरीर दिखाई पड़ रहा है ये हमारा मूल स्वरूप नहीं है, यह तो हमारे कर्म संस्कारों के कारण पंच तत्वों से निर्मित हो गया है। एक दिन निर्मित हुआ है और एक दिन इस शरीर को मिट जाना है। वैसे देखें तात्विक दृष्टि से तो शरीर नाम की कोई चीज नहीं है, मिट्टी पानी आग हवा ये तो हैं, प्रत्यक्ष है। शरीर मिट्टी में है शरीर, कि पानी में है, कि हवा में है, कि आग में है, किस में है शरीर, जरा खोद कर देखो, कहीं नहीं मिलेगा आपको शरीर। जी तो शुद्ध चेतन है, निर्विकार है, उसमें उसमें शरीर होने की कोई बात ही नहीं है, तो शरीर कहाँ से आ गया। दोनों के संयोग से कर्म संस्कार के बाद शरीर बन गया है, मूल रूप में शरीर है नहीं। लेकिन नहीं होते हुए भी इस शरीर के लिए हमारे मन में इतना मोह, इतना मोह, इतना मोह है कि हमने मान लिया कि मैं शरीर ही हूँ, शरीर से अलग मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। और यही दुख का कारण, जितने दुख हैं जीवन में, जीवन में कहें या संसार में कहें, संसार में जितने दुख हैं और जितने बंधन हैं, सबके मूल में क्या है, देह के प्रति आसक्ति और देह के प्रति अभिमान, देहाभिमान और देहाशक्ति, ये सारे दुखों का मूल। और देहाशक्ति रोम रोम में भिन गई है, शरीर से ऊपर उठ करके हम कभी सोचने का प्रयास नहीं करते कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। शरीर को अपना स्वरूप मान लिए, बस खिलाना पिलाना सुलाना, शरीर को आराम देना मान लिए जीवन का लक्ष्य, यही तो बंधन का कारण है। शरीर है, शरीर का निर्वाह करना मजबूरी है, भूख लगी तो खाना पड़ेगा, प्यास लगी तो पानी पीना पड़ेगा, ठंडी लगी तो कंबल ओढ़ना पड़ेगा, आग तापना पड़ेगा, ये मजबूरियां है। लेकिन ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, जीवन का लक्ष्य है इस शरीर में रहते रहते, इस जीवन में रहते रहते स्वतत्व को पहचानना। वो जो स्वतत्व है जिसे हम चेतन तत्व भी कहते हैं, आत्मतत्व भी कहते हैं, उसी को हम राम तत्व और रहीम तत्व भी कह सकते हैं। वो कौन है, वह हमसे अलग नहीं है, वह हमारा ही अपना स्वरूप है। लेकिन उसको न जानने के कारण हम दर दर ठोकर खाते हुए भटक रहे हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, भटको मत,
रुको, पहचानो अपने आप को, मैं कौन हूँ। जिसे हम पाना चाहते हैं बाहर, नाना रूप और नाना नाम रख करके, वह बाहर कहीं भी नहीं है, वह हमारे भीतर है। अब भीतर नहीं है, हमारा अपना आपा है। राम, रहीम, खुदा, गॉड, परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म, आत्मा, मोक्ष, निर्वाण, शान, केवल, हग्बिनी, अनेक और नाम। इन सारे नामों से जिस तत्व को हम, जिस तत्व को व्यक्त करना चाहते हैं, उस तत्व को जिसने भी पाया है, अपने में पाया है, बाहर किसी ने नहीं पाया, और जिसने अपने में पाया वो बाहर पाया, और जिसने अपने में नहीं पाया वो बाहर खोज करके कभी नहीं पा सकता है। अपने में पाने का अर्थ है ये समझ लेना कि जैसे मैं चेतन हूँ, मेरा स्वरूप शुद्ध बुद्ध निर्मल है, ऐसे जो दिखाई पड़ रहा है ये सब भी चेतन है, ये भी, इनका भी स्वरूप शुद्ध बुद्ध है, ऐसा समझ लेना। ये बाहर भी पाना है, जिसे अपने भीतर नहीं मिल सकता, जो अपने में नहीं पा सकता, वो कहीं चला जाए बाहर नहीं पा सकता है। वह परम प्रभु अपने ही उर पायो, ये सद्गुरु कबीर का एक भजन है। और परम प्रभु को जिसने पाया अपने भीतर पाया, और अपने भीतर नहीं पाया तो कहीं नहीं पाया है, और न कहीं वो पा सकता है। तो परम प्रभु कौन? हमारा अपना आपा, हमारा अपना अस्तित्व, उसी को सद्गुरु कबीर यहाँ कहते हैं, जो जानहुं सो जीव। उस जीव को यदि जानते हो जो तुम्हारा अपना स्वरूप है, जान लिए हो अब तो स्थिर हो जाओ, टिक जाओ, भटको मत, खोजो मत बाहर। ये खोजने की चीज नहीं है, रुकने की चीज है, अनुभव करने की चीज है। खोज करके नहीं मिलने वाला है। जब हमारा चलना बंद हो जाएगा तब वो अनुभव में आएगा। और चलने का मतलब क्या है? मन की कल्पना का मिट जाना, ये रुकना है। और मन की कल्पना में बहते रहना, कुछ कुछ सोचते रहना, ये चलना है। जब तक हमारा मन चल रहा है, कल्पना कर रहा है, कुछ न कुछ सोच रहा है, तब तक चाहे चेतन तत्व, आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व, राम तत्व हम समझ नहीं सकेंगे, पा नहीं सकेंगे। और मन का सोचना बंद हो गया, कल्पना की उड़ान बंद हो गई, मन रुक गया, शांत हो गया, तो पाना कुछ रह नहीं गया। जो पाना चाहते थे शेष वही रह गया। तो जो जाना हो सो जी, सद्गुरु कबीर कहते हैं, उस जीव को भी जानते हो जो तुम्हारा स्वरूप है, तब भटकना बंद करो, शांत हो जाओ। फिर क्या करना इसके बाद? पानी पचावहु आपना, पानी मांग न पियो। जितना पानी आज तक पी चुके हो उन सबको पचा डालो, और फिर से पानी मांग करके पियो मत। यहाँ पानी का अर्थ है संस्कार, वासना। जो कुछ हम देखते हैं इंद्रियों द्वारा, सबके प्रति मन का जब आकर्षण होता है, सुख भावना पूर्वक ग्रहण होता है, तो संस्कार बनते हैं, वासना बनती है। आँख से देखकर, कान से सुनकर, जीभ से चखकर, त्वचा से छूकर, नाक से सूंघ करके, जहाँ जहाँ राग हुआ, अनुकूलता जान पड़ी, वहाँ वहाँ राग के संस्कार बने, मोह बना, आसक्ति बनी, और जहाँ जहाँ प्रतिकूलता समझ में आई वहाँ वहाँ द्वेष बना, बैर बना, क्रोध आया, संस्कार दोनों प्रकार के बन गए। रागात्मक संस्कार भी बांधते हैं हमको, और द्वेषात्मक संस्कार भी बांधते हैं। न रागात्मक संस्कार बने, न द्वेषात्मक संस्कार बने, जीवन को ही ढंग से जिए,
तो आज तक जो जी चुके हैं और जो संस्कार हम बना चुके हैं, जो वासना हमारी बन चुकी है, उन वासनाओं को ज्ञान, विवेक, वैराग्य, त्याग, तप, संयम, साधना द्वारा समाप्त कर देना है। क्यों समाप्त कर देना है? यदि वासनाएं समाप्त नहीं होंगी तो इस वो वासनाएं हमको पकड़ करके फिर संसार में ले आएगी और फिर दुख के गड्ढे में हमको गिराती रहेगी, दुख में रगड़ती रहेगी। जब तक वासना है तब तक हमारा भटकना बंद नहीं होगा, संसार में आना, दुख पाना, ये छूटेगा नहीं। जहां आशा तहां बासा, ये कहा जाता है और कहा नहीं जाता, एक हकीकत है यह। इसलिए जितनी वासना बन चुकी है शरीर और संसार पर, कुछ देख लूं, कुछ सुन लूं, कुछ खा लूं, कुछ पा लूं, किसी से कुछ मिल लूं, आज तक देखते सुनते आए, खाते पीते नहीं आए, आज तक तृप्ति नहीं मिली, कुछ दिन जी करके और खा पी लेंगे, क्या तृप्ति मिल जाएगी? असंतोष और बढ़ जाएगा। इसलिए अब मन पर संयम, तो पहले की वासनाओं को ज्ञान, विवेक, विचार द्वारा शमित कर देना है, मिटा देना है, पचा डालें। फिर पानी मांगी न पी, नई वासनाएं ना बनाओ, नए संस्कार दुनिया के ना बनाओ। कैसे बनेगा ये काम, कैसे होगा? क्योंकि जब तक जीवन है, प्रारब्ध यात्रा चल रही है, तब तक लोगों से व्यवहार करना होगा और पदार्थों का जीवन में प्रयोग करना होगा निर्वाह के लिए। तो प्राणी मिलेंगे, पदार्थ मिलेंगे, उनमें कुछ अनुकूल होंगे, कुछ प्रतिकूल होंगे, सावधान नहीं रहेंगे तो फिर नई वासना बन जाएगी। तब क्या करें? जो प्राणी मिले हुए हैं मनुष्य के रूप में, उनके साथ व्यवहार ऐसा करें जैसे यात्रा में मुसाफिरों के साथ करते हैं। हम सब मुसाफिर हैं, यात्री हैं, अपने अपने कर्म पथ पर चल रहे हैं। इसलिए सेवा कर दें, प्रेम कर दें, व्यवहार कर दें, मोह किसी से ना बनाएं, राग की रस्सी से अपने किसी को बांधे ना। और जीवन निर्वाह के लिए जिन पदार्थों का प्रयोग करते हैं उनका प्रयोग औषध के समान करें। जैसे शरीर में रोग लगता है तब हम दवाई खाते हैं, दवाई कभी, कोई दवा कीमती होती है, कोई दवा सस्ती होती है, कोई दवा कड़वी होती है, कोई दवा मीठी होती है। तो जो दवा महंगी है और मीठी है उसके लिए हमारे मन में राग नहीं बनता, आसक्ति नहीं बनती। अरे महंगी दवा है, थोड़ा डॉक्टर ने एक गोली कहा है चार गोली खा लो। ये दवा तो बड़ी मीठी है, डॉक्टर ने कहा है एक चम्मच पियो, बड़ी मीठी है, चलो चार चम्मच पी लो, क्या होगा? बीमारी और बढ़ जाएगी। कड़वी दवा है, डॉक्टर ने एक गोली खाने को कहा है तो एक ही गोली खानी पड़ेगी, आधी गोली से काम नहीं चलेगा। सस्ती दवा है तो भी उतनी ही खानी पड़ेगी। ऐसे ही जिन पदार्थों का प्रयोग करते हैं उनको मात्र दवा समझ करके प्रयोग करें, रोग निवृत्ति के लिए प्रयोग करें। जैसे दवा के लिए न राग है, न द्वेष है, न घृणा है, न प्रेम है, तटस्थता, निर्द्वंद्वता। ऐसे ही जीवन निर्वाह के जो पदार्थ हैं उनके लिए न राग, न द्वेष, न आसक्ति, न आकर्षण। इस ढंग से जब व्यवहार करेंगे, दवा को संभाल कर रखते हैं, ऐसी चीज़ों को संभाल कर तो रखें, सुरक्षित तो रखें, लेकिन तटस्थ हो करके, तो नए संस्कार नहीं बनेंगे। अब जब नए संस्कार नहीं बनेंगे तो दुख का कोई अवसर ही नहीं रहेगा। हमारे संस्कार ही हमको बांधते हैं, भटकाते हैं, दुख देते रहते हैं याद हो करके। इसलिए सावधानी पूर्वक जीवन जीने की आवश्यकता है, संयम पूर्वक तटस्थ हो करके, तो कहीं हमारा मन बंधेगा नहीं। अब बंधेगा नहीं तो इसी जीवन में
पूर्ण मुक्ति और का और आनंद का हम अनुभव कर सकते हैं। सद्गुरु कबीर इस साखी में हम लोगों को चार बातें बताते हैं। पहली बात है जीवन जीने की कला, और वो कला है दूसरों के लिए सेवा और अपने लिए निष्कामता। अधिक दूसरों को अधिक से अधिक सुख देते चलें, प्रसन्नता देते चलें, शांति देते चलें, सुविधा देते चलें, लेकिन अपने लिए निष्काम, किसी से कुछ चाहना नहीं। तो क्या होगा, जीवन व्यापार उत्तरोत्तर मुनाफा की ओर बढ़ता जाएगा, हमारी प्रसन्नता, हमारी शांत, हमारी स्वस्थता बढ़ती चली जाएगी। दूसरी बात है जिस परम तत्व को हम खोज रहे हैं, जिसके लिए हम चाहते हैं मिल जाने पर जीवन कृतार्थ हो जाएगा, वो बाहर नहीं है, वो हर व्यक्ति का अपना आपा है। उसको हम जीव, चेतन, आत्मा, रूह, सोल, राम, रहीम अनेक नाम से पुकार सकते हैं। वो आपके भीतर है, भीतर नहीं, आपका स्वरूप है, आप खुद हैं, ये समझ लेना, और समझ करके बाहर भटकना बंद कर देना। जब ऐसा हो गया, आत्मज्ञान हो गया, तो जितनी वासनाएं पूर्व की बनी है उनको मिटा दें, अब नई वासना ना बने, इसके लिए सावधानी पूर्वक अनासक्त होकर के जीवन का व्यवहार करें। सेवा भी बनेगी, लोक मंगल का काम भी होगा और आत्मकल्याण का भी काम होगा। सद्गुरु कबीर की साखी पुनः स्मरण करें, जो जानहु जग जीवना, जो जानहु सो जीव, पानी पचावहु आपना, पानी मांगी न पी। इस साखी का मनन करें, भाव का मनन करें, ऐसा जीवन बनाएं और जीवन बना करके जीवन को सार्थक करें। इन्हीं के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।